अक्सर आप लोग एक वाक्य बोला करते हैं, अजी भगवान की इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। लेकिन हमने एक दूसरा वाक्य भी सुना है, जो जैसा करता है वैसा भरता है। अब ये दोनों वाक्यों में बहुत बड़ा विरोध। भगवान की इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता, ये भी 100% ठीक। और हम अपने कर्म के कर्ता हैं, इसलिए जैसा करेंगे वैसा भरेंगे, ये भी ठीक। दोनों बातें कैसे ठीक हो सकती हैं? तो शास्त्र कहते हैं, एक होता है प्रयोजक कर्ता और एक होता है प्रयोज्य कर्ता, दो है। हमारा शरीर पड़ा है, हाथ भी है, पैर भी है, आंख कान नाक सब है, लेकिन हाथ काम नहीं करता, पैर काम नहीं करते, आंख कान नाक वो अपना वर्क नहीं करती, मन अपना वर्क नहीं करता, बुद्धि अपना वर्क नहीं करती, ऐसे शरीर को आप क्या कहेंगे? मुर्दा। अब इस शरीर में आत्मा आई, यह है भगवान की शक्ति। तो आत्मा के आते ही हाथ भी वर्क करने लगा, पैर भी वर्क करने लगा, मन बुद्धि सब वर्क करने लगे। तो भगवान क्या है? प्रयोजक कर्ता। यदि भगवान ये आत्मा रूपी शक्ति नहीं देंगे तो ना हाथ अपना काम कर सकती है, ना पैर अपना काम कर सकता है, आंख कान नाक कोई भी अपना काम नहीं कर सकते, मन अपना काम नहीं कर सकती, बुद्धि अपना काम नहीं कर सकती। तो भगवान की शक्ति के बिना ये इंद्रिय मन बुद्धि कोई वर्क नहीं कर सकती। अब ये जो हमको शक्ति मिली, इस शक्ति का अब हम क्या प्रयोग करते हैं, कैसा प्रयोग करते हैं, यहां से जीव कर्ता हो गया। यह है प्रयोज्य कर्ता। आंख को देखने की शक्ति मिली भगवान से, अब इस आंख से ये जीव क्या क्या देखेगा इसके लिए भगवान डिस्टर्ब नहीं करेंगे। यहां से जीव का कर्म शुरू हो गया, वो चाहे तो अच्छी अच्छी चीजें देखे, इन आंखों से मंदिरों का दर्शन करे, संतों का दर्शन करे, या फिर इन आंखों से संसारियों का दर्शन करे, गंदी गंदी चीजों का दर्शन करे, इसके लिए जीव करता। इस कान से आप सत्संग सुनते हैं तो उसका फल मिल जाएगा, इस कान से आप गंदी चीजें सुनते हैं, जीव करता है। ये मन ये इच्छाएं बनाता है कि ये संसार ही मेरा है, मेरा बेटा ही मुझे मिल जाए, विदेश में है जल्दी आ जाए, और या फिर ये इच्छाएं बनाता है कि मुझे गुरु के दर्शन हो, मुझे श्याम सुंदर मिल जाए। हमारे पे डिपेंड करता है। बुद्धि ये निश्चय करती है कि नहीं, ये संसार मेरा नहीं है, जो निश्चय मीरा ने किया, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, श्याम सुंदर ही मेरे हैं। या तो ये निश्चय कर ले बुद्धि, या ये निश्चय कर ले कि भगवान तो होते ही नहीं है, ये संसार मेरा। तो हम क्या निश्चय करते हैं शक्ति को पाकर,
हम सदुपयोग करते हैं या दुरुपयोग, ये जीव पर डिपेंड करता है। इसीलिए जीव करता है, वो जैसा करेगा वैसा मिलेगा।